हेलो, कैसे हैं सब? मैं अभी पीछे आप लोग देख के समझ पा रहे मैं कहाँ पे हूँ। मैं अभी ताजमहल पे हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और बेल बटन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो पहुँच जाएगा, उसके बाद लाइक कर देना, ठीक है? चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जा मार साथे जा गुरु ताए करो खोजा हो खोजा यार। इधर भी मंकी है, तो थोड़ा सावधानी से। आगरा फोर्ट जो पैलेस जो पैलेस नहीं है, जो ग्रेवयार्ड है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है? वो सामने जो देख रहे हैं वो सामने देखिए, वो ईस्ट गेट है। उसको लेबर, उसको VIP गेट भी कहते हैं। VIP गेट को कहते हैं जो 20,000 लेबर्स जो भी उन्होंने बनाया था पूरी बिल्डिंग, 20,000 लेबर बिल्डिंग बनाया, वो उधर से उस साइड से आते हैं। लेकिन गेस्ट जो है इस गेट से आते थे, इसको VIP गेट कहते हैं। जितने भी जैसे ट्रंप आया था वो इस गेट से आते, और लेबर इस गेट से आते हैं। ये है साउथ गेट। तो 3 गेट हैं ये पहले। ओके, अच्छा अच्छा। एग्जिट के लिए, लेकिन एंट्री के लिए सिर्फ 2 गेट हैं। 2 गेट एग्जिट के लिए, 3 गेट और एंट्री के लिए सिर्फ 2 गेट। वो एग्जिट एंट्री के लिए नहीं है, ठीक है? ये चौथा गेट है, इसको बोलते हैं रॉयल गेट, शाही दरवाजा, ठीक है? ये पूरा जो एरिया बोला जाता है फोर कोर्ट एरिया बोला जाता है, 4 बाग। इंडिया मुगल्स का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी बिल्डिंग देखना आप 4 बाग जरूर होंगे, 4 गार्डन भैया, 4 बाग का कॉन्सेप्ट, 4 बाग कहीं भी देखना आप, हमारी टॉप में देखना, कहीं भी देखना 4 बाग जरूर होंगे, ठीक है? अब आप पूछ रहे थे इसके चारों तरफ आप देख रहे छोटे रूम बने, ये 210 रूम हैं। उस जमाने में बाहर कोई भी होटल, कोई भी रुकने की जगह नहीं थी। आप जैसे घूमने वाले आते थे इन्हीं में रुकते थे। ये फिर आप पीछे देखिए, ये कर्टन भी लगे थे, डोर भी लगे थे, सब कुछ लगा हुआ था। इन अब सब इन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब आइए इस गेट पर। इस गेट की ऊंचाई है 105 फीट, लाल पत्थर और मार्बल से बना हुआ है। देखिए कितना फीट है, 105 फीट, ठीक है? लाल पत्थर और मार्बल का बना हुआ है। ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे डोम्स बने, गुम्बद छोटे। देखिए 11 उधर हैं, 11 ही इधर हैं, टोटल 22 हैं। ये इस बात का प्रमाण है ताजमहल को 20,000 लेबर ने 22 साल में बना के तैयार किया पूरे। हर साल में एकदम अच्छा, जैसे कंस्ट्रक्शन होता था उसी साल 22 साल पूरे लगे और 20,000 लेबर ने बनाया, ठीक है? अब आप देखिए गेट पर लिखा हुआ है कुछ, देखिए पूरा तो बना हुआ है। कुरान की आयतें हैं अरबी भाषा में, अरबी भाषा, क्योंकि जो साइड से आए थे उनकी भाषा मेन वही थी, उर्दू इंग्लिश हिंदी तो यहाँ पे आके हुआ, पहले इनकी अरबी भाषा, ठीक है? अब दूसरे गेट पे चलते हैं। आ जाओ भाई लोग, ये सेंटर से करना है। इधर आइए, इधर आइए, देखो गेट्स देखिए सारे एक ही सीध में, देखिए वो सारे ये लिखा हुआ देखो, नीचे से बड़े होते चले जा रहे हैं। अच्छा नीचे के अच्छे छोटे, ऊपर के बड़े होते ये अक्षर लिखे हुए ना, ये अक्षर नीचे छोटे हैं ऊपर बड़े होते चले जा रहे हैं, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। अगर वो एक से होते ना तो ऊपर के ओके देखते हम लोग ताजमहल के सामने है अभी, अभी अंदर जाके जितना हो सके दिखाऊंगी, ठीक है? इधर बाहर का फिर बाहर आके दिखाती हूँ, ठीक है? तो बने रहो, बहुत ही अच्छा वाला ब्लॉग होने वाला है। चलो अंदर। पहले मसाला जलती थी, उससे काला हो गया, ये लगा।
सोलर से चलता है, ये चलता है उससे लाइट से इलेक्ट्रिक लाइट। ये क्या है? लैंप लगवाया था लॉट पर। अच्छा लैंप। अच्छा ये जलता है सोलर सिस्टम से? जलता नहीं ना। अच्छा पहले मसाल लगी थी। हाँ चलो पत्थर खराब हो जाता है ना, खराब होने से निकाल के उनका ऊपर का क्लीन नहीं हुआ, बाकी सारा क्लीन हो गया। वो कोविड गवर्नमेंट है सर, चाहते थे दो साल में बहुत क्लीन होता है, तो शामिल बन था। इसको ऊंचाई देखिए पहले सर, नीचे से लेकर ऊपर तक 85 मीटर है। और वो आप देख रहे हैं वो काला सा बना हुआ ऊपर, वो अकेला ही 10 मीटर का, वो पूरा सोने का बना हुआ था, जिसको अंग्रेज निकाल के ले गए 1810 में। उन्होंने पीतल का लगा दिया, उन्होंने 556 किलो 556 केजी गोल्ड डाला हुआ। ठीक है, चार मीनार हैं, एक मीनार की ऊंचाई 55 मीटर है। और देखिए हल्का सा बाहर की तरफ झुका हुआ है, टिल्ट है, 3 डिग्री रीजन, कभी भी भूकंप आए तो ये ऐसे ना गिरे, ऐसे गिरे। ये बिल्डिंग सेफ है, इसलिए बनाया उसने उस जमाने प्लानिंग करके। ठीक है, हाँ अब ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन देखते हैं इसमें सब जगह बनी हुई है। ये डिज़ाइन उसी ज़माने की है, शाहजहाँ का एक दरबारी था अली मर्दान खान, उसने डिज़ाइन किया था पूरे गार्डन को। अच्छा। ये पूरा 300 स्क्वायर मीटर में है और 60 पार्ट में बना हुआ है। ठीक है, सेंटर में ये टैंक है, ये पानी का टैंक है, जब पानी भरा होता है तो उसका रिफ्लेक्शन उसमें देखता है। एक चेयर बनी है पीछे, वो अंग्रेजों ने लगवाई थी, प्रिंसेस डायना चेयर बोलते हैं इसको। प्रिंसेस डायना चेयर, प्रिंसेस डायना अंग्रेजों की, ब्रिटेन की आई थी 1996 में, वहाँ बैठी तभी से उसको प्रिंसेस डायना चेयर बोलते हैं। तो हम दूसरी जगह चलते हैं, अभी तो फोटोग्राफ ये जो आप देखें वो सामने बिल्डिंग दोनों, ये बिल्डिंग जो ये वर्क में ये यूज में थी, ये सिमेट्री, ये पूरी बिल्डिंग ताजमहल में देखिए आप, सिमेट्री बनी है। अगर कोई बिल्डिंग इधर बनी है तो सेम बिल्डिंग दूसरी साइड में बनी है, बिल्कुल सिमेट्री में। तो पानी को यमुना से लिपटी जाता था बैलों के थ्रू और पुली पीछे बना हुआ सिस्टम था, यहाँ स्टोर किया जाता है, वहाँ से ऊपर से पानी छोड़ा जाता है ब्रास की पाइपलाइन से। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया, सारा इलेक्ट्रिक पंप से चलता है। अच्छा अच्छा, ये फिर से जाना चाहिए ना, फोटो खिंचाने खिंचा लीजिए यहाँ पे, उसके बाद बाकी बाहर चलते हैं, उधर चलते हैं। अभी तो ट्रेन से है ना बैठा है। मैडम थोड़ा सा साइड है किले की ऊपर है, क्लियरिंग टाइम में आया।
এখানে বলতে হতো আমাকে। हेडफोन से सुन रहे हैं ना आप लोग, इतना सारी इन्फॉर्मेशन, आगे भी और भी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग बने रहो। और कैसा लग रहा है आप लोगों को प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। और ये फ्राइडे को बंद है। अच्छा, वो इसलिए उधर ओपन है, फ्राइडे ओपन है। ठीक है, उधर क्या सब नमाज वमाज के लिए अभी भी रहता है। और ये चीज़ और बता रहा हूँ आपको, शायद पता हो या नहीं पता हो, मस्जिद हमेशा इंडिया में वेस्ट साइड बोलती है। इसका कारण क्या है कि मक्का मदीना इधर है, जब ये नमाज़ पढ़ते हैं तो इनका फीस उधर मक्का मदीना ही पढ़ती है, यही कारण। साउथ में इधर नहीं, इधर से पूजा करते तो नॉर्थ में होता है। नहीं नहीं, इनका इनका नहीं, अपना पश्चिम पूरब में होता है, इनका पश्चिम होता है, अपोजिट होता है हिंदुओं से, अपोजिट। वो तो हमेशा उत्तर ऐसा भगवान उधर ही है ना, अभी शाहजहां उधर से हिंदू चलता है तो भगवान उधर से आता है। उनका इन्होंने सारा उल्टा किया है, लिखना तो उल्टा सब काम। बिल्कुल एक जेरॉक्स कॉपी मिला था, जेरॉक्स कॉपी, लेकिन बाद में उसको गेस्ट हाउस बना दिया है। शाहजहां के जितने भी गेस्ट आते थे दिन में वो वहाँ रुकते थे, और रात में कब किले के अंदर चले जाते, कोर्ट में चले जाते, क्योंकि रात में कब्रिस्तान में ग्रेवयार्ड में कोई रुकता नहीं है। ये एक्चुअली कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान जो दो कब्रों की उसके लिए हो गया ना, भले दो हाथ लेके कब्रिस्तान ही बोला जाएगा ना, तो उधर से देखते थे वो, मतलब कैसे वो मैं बाद में बताऊँगा। हाँ, बाद में इसको भी दफन किया गया। हाँ, मैं पूरी कहानी बताऊँ फिर आप पूछना मुझसे। पहले देखिए, अब देखिए सबसे ऊपर देखिए चांद बना हुआ है, फिर कलश बना हुआ है, तो चांद हो गया मुस्लिम का सिंबल और कलश हो गया हिंदू का सिंबल। ये एक तरह से लॉलीपॉप बोलते हैं, जैसे ये मुस्लिम कंट्री से आए थे तो उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और उनको हिंदू जो जैन से उनको साथ सेना में शामिल किया, तब ये सर्वाइव कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़े से लोग थे। उन्होंने चाल चली, हमने आपको रिश्तेदार बनाया, आप हमारी मदद करिए, तो ये वही सिंबल है हिंदुओं को अपनी तरफ करने का। एक कलश बना हुआ है सबसे ऊपर, लेंगे पूरा कलश बना हुआ, दूसरा ये कलश बना है ना, ऊपर पर कोकोनट भी रखा हुआ है, ठीक है। और ये अष्टकोणी, और देखिए आठकोण बिल्डिंग है, अष्टकोणी बिल्डिंग है, ये भी हिंदू का सिंबल है, ठीक है। ये ना अष्टकोणी बिल्डिंग है, चौकोर नहीं है, ठीक है। और ये सभी को पता है, पांचवें शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था, जिसका बाद में शाहजहां के पिता जहांगीर ने नाम दिया मुमताज। मुम जो बर्ड होता है, ये होता है पर्शियन बर्ड, मतलब होता है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी, इसका नाम मुमताज दिया, ठीक। तो 1612 में शादी हुई इनकी, 1612 में, और 18 साल शादी के बड़े अच्छे गुजारे। 18 साल में 14 बच्चों को जन्म दिया मुमताज ने, ठीक, 14 के लिए 14 बच्चों को। और 1627 में शाहजहां को गद्दी मिली, गद्दी से पहले इसका नाम था खुर्रम, गद्दी संभालते इसने अपना नाम रख लिया शाहजहां, इसका मतलब होता है पूरे जहां का नाम, ठीक है। तो जब जहां का राजा, ठीक है, जब 14वें बच्चे की डिलीवरी होती होनी थी, उसी टाइम शाहजहां को लड़ाई के मैदान पर जाना पड़ा साउथ में, वहाँ जाता है। रास्ते में जाते वक्त अपनी बेगम जो प्रेग्नेंट थी उसको बुरहानपुर, जी MP में पड़ता है भोपाल के पास जगह है, वहाँ छोड़ जाता है उसके फादर के पास, यानी अपने ससुर के पास छोड़ जाता है डिलीवरी के लिए। जो डिलीवरी होती है 14वां बच्चा, वो बेटी पैदा होती है, जैसी बेटी पैदा होती है वैसी मुमताज एकदम सीरियस हो जाती है, जब उसे लगता है कि अब नहीं बचूंगी, तो वो शाहजहां को लड़ाई के मैदान से वहीं बुला लेती है, उससे प्रॉमिस लेती है, ताजमहल का नहीं लेती है, उससे बोलती है आप मुझे इतना चाहते हो तो कुछ ऐसा करना जो दुनिया ने कभी देखा हो। शाहजहां उसको प्रॉमिस करता है, मुमताज वहीं दम तोड़ देती है, उसको वहीं टेम्प्रेरी लेप लगाते, जैसे इजिप्ट में मम्मी रखी जाती है ना, लेप लगा के उसको रख दिया जाता है, और एक छोटा सा मोसलेप बना दिया जाता है जो आज भी वहाँ है लेकिन खाली पड़ा है, ठीक है। फिर शाहजहां आगरा आता है, आगरा राजधानी थी, कैपिटल थी पहले, दिल्ली नहीं थी पहले, आगरा राजधानी, ठीक है। तो यहाँ शाहजहां अपनी पब्लिक को बताता है, यानी प्रजा को बताता है, तो पहले फ़ोन तो थे नहीं कि मेरी बेगम ख़त्म हो गई, तो पब्लिक को बहुत दुख होता है, क्योंकि पब्लिक को बहुत चाहती थी मेरी बेगम, पब्लिक की बहुत हेल्प करता है, ख़त्म होने के बाद पता चलता है तो दुख होता है, ठीक है। शाहजहां को तो बहुत दुख होता है, सभी को पता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है 8 दिन तक, कुछ खाता पीता नहीं है, 8 दिन बाद जो बाहर निकलता है उसके काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इतना दुख होता है उसे,
फिर अपने आप को संभालता, संभालने के बाद जो जगह थी राजा जयसिंह की थी, जयपुर के राजा मानसिंह के ग्रांड सिंह की जगह। अच्छा, जगह खरीदता है, खरीदने के बाद जो बॉडी में रखी हुई थी उसे लेके आते हैं, फिर उस कोने में दोबारा उसको रखते हैं ऑयल के अंदर। वो दिखाऊंगा अभी, वो क्यों के ये तैयार नहीं थी, वो खड़ा करने पूरे मसाले में, ये खड़ा करने नहीं। अच्छा, तब तक हाँ, फिर उसके बाद उसको दफन किया नीचे मिट्टी में। जो आज असली वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, कारण वो एरिया बहुत छोटा है और कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। एक साथ अगर 100 लोग चले गए तो घुटन होने लगेगा, इसलिए बंद कर दिया। अब हमें देखने को मिलेगा डुप्लीकेट वाला पार्ट, जो शाहजहाँ ने उस ज़माने में भी पब्लिक के लिए बनवाया था, नीचे जो खास लोग थे उनके लिए बनवाया था और पब्लिक के लिए ऊपर वाला पार्ट बनाया, तो वही पार्ट खुला मिला। अब देखिए सीढ़ी से जाता है, हाँ वो और 1000 हाथियों ने इसका ट्रांसपोर्टेशन काम किया। पहले हाथी चलते थे, ट्रक और गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है। अब देखिए वो जो बनी है फूल पत्तियाँ बनी है गेट पे, यही है 28 तरह की सस्ते और महंगे नग जो आप अंगूठियाँ पहनते हैं वो सारे लगे हुए हैं। और देखिए वो चमक रहे हैं, ऐसे चमकते हैं सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे और मूनलाइट टाइम पे चमकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने सुना होगा शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए, बचपन से पढ़ते आए हम भी पढ़ते आए थे, लेकिन हमें जब ट्रेनिंग मिली ना ESI ने ट्रेनिंग दी तब पता चला कि क्या कारण था। उसका मतलब ये होता है कि आप मान लो राइटर है, हमने आपका पेन ले लिया, इट मीन आपको उस काम से हाथ काट दिया, चाहे उसी के लिए। तो ऐसे क्या किया शाहजहाँ ने, जैसे कम्प्लीट हुआ बिल्डिंग, सारे लेबर्स को बुलाया पैलेस में औजार के साथ, आप अपने औजार रखिए और वापस जाइए, एक हफ्ते बाद मिलना। एक हफ्ते का मतलब टाइम बहुत होता है मजदूर को, तो सुबह से शाम तक काम करने के बाद पैसा चाहिए, एक हफ्ते का टाइम तो बहुत होता है। तो मजदूर को जो एंटी लोग होते हैं, जैसे आज मोदी के एंटी हैं, ऐसे एंटी राइटर लिख दिया कि शाहजहाँ ने हाथ काट दिए, उंगली काट दिया था ऐसा। लेकिन एक हफ्ते का टाइम इसी लिया था कि वो जो लैंड देनी थी ना उनको, उसके पेपर तैयार करने में टाइम लगा। अच्छा, इसका जगह मतलब बदले में, उसको बदले में नहीं, इसके बदले में नहीं, उनको पैसे वाला बनाना था, जमींदार बनाना था, जमीन देनी थी, पैसा देना था, तो सारी लिखा पढ़ी में दिया उन्होंने बाय ऑन पेपर, सबको बुलाया और फिर सबको बाय बाय सब पेपर में देकर आप आज से सब पैसे वाले हो गए। और लेकिन ये काम कहीं नहीं करना, अगर किसी ने भी काम कहीं किया तो मैं उसे छोड़ूंगा। फिर जब औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया तो वो साजा के सारे जितने दिए हुए कागज थे ना सब वापस मंगा लिए, इनसे वापस ले, आप जमीन जाया सब मेरी वापस करो, मेरे पिता ने नहीं दिया। फिर उन्हें वो टूल पकड़ा दिए, तो आज वही काम कर रहे हैं बेचारे, वो गरीब फिर हो गए, यानी कुछ साल के लिए पैसे वाले हो गए, फिर वो गरीब औरंगजेब फिर हो गए, मतलब काटने वाला सीन कुछ नहीं था। যমুনা ও যমুনা মিল যমুনা দুটো কলেজে আমি না ইয়েতে চিত্র নাচ করি। এটাও কপাল তাজমহল বানিয়ে দেবে, তোকে মরতে হবে তো, মরতে হবে তো তার জন্য। ওমা তোরা হাত হচ্ছে সুইচ কভার পড়তে হবে, এবার সুইচ কভার পহন কে ফির আন্দাজ জানা পড়েগা, এক এক সুইচ কভার কা প্রাইস 10 রুপিয়া কা হ্যায়, সব আপনা আপনা রাখবো উপর যাতে পেন লাগে, নি হাত বগম করে দিলা পড়ে। আরে আপু কে কে দাম পড়ে জানি আ পর একটু তাড়াতাড়ি খালি করছি। তোমাকে কি করতে হবে আপনাকে দেখিয়ে দিই, একমা পড়েছে मैडम, आगे मैम चलो।
थे, आगे उधर बना लेना, इधर नहीं बना, अभी बना लिया जितना मुमताज को जैस्मिन बहुत पसंद था, इसीलिए जैस्मिन स्टाइल का, जैस्मिन फूल के तरह नीचे डिजाइन किया हुआ है। मुमताज जैस्मिन है, मुमताज खूब पसंद होगा तो जैस्मिन फूल। ये ताजमहल, ठीक है, आप अंगूठी पहनते ना वो उसको, फिर इधर कट करके उसमें डालते, पहले इसको छिदल किया जाता मारो को, फिर इसकी सेप दी जाती है, ये बहुत टिपिकल काम है। ये सर एक ही पत्थर में काटा है, और देखिए लेटेस्ट वर्क देखिए, जाली वर्क देखिए, ये भी मार्बल कट अंदर कटा हुआ है, और ये रस्सी कट जा रही है, इधर रस्सी कट, और वो ऊपर डायमंड कट जा रहा है, कोई मशीन वर्क नहीं है, सब पूरा हाथ से। हाँ 22 साल लगे थे इधर फोटो खोल। चले अंदर चले, हाँ चलिए आ जाइए। पूरा पाथर काट के, एक ही पाथर में वो काट के फिर बनाया, ये पूरा मीनाकारी। हाथ देखो तो जैसे हमारे गहना में मीनाकारी समझ में आता है ना, हाथ से ऐसे समझ में आता है मीनाकारी, ये मीनाकारी। हाँ बिल्डिंग तैयार हो गई, साजा ने देखा जैसे बिल्डिंग बढ़िया है, तो उसने ऑर्डर दिया कि कोई भी यहाँ पे मेरी बेगम के अलावा किसी को दफन नहीं किया जाएगा, ना अब ना फ्यूचर में, लेकिन बनाया था फ्यूचर में। आपके लिए सारे रूम 8 रूम है, सारे खाली पड़े, लेकिन साजा खत्म हुआ तो उसको दफन क्यों किया है, क्योंकि साजा को एक और ताजमहल बनाना था, उसके बेटे ने बनने दिया, तो मजबूरी लोगों ने यहाँ पर उसको दफन किया, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए वीडियो निकाल नहीं पाए, तो जितना हो सके दिखाया बाहर का, अंदर भी कोशिश किया, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा तो फोन का पूरा डिलीट कर देंगे, तो चलो बने रहो, अभी यमुना नदी दिखाऊंगी। देखिए यमुना है, आगरा किला देखिए, वो है कितना बड़ा किला है, देखिए उस पॉइंट से लेके वहाँ तक पूरा किला है, बहुत खूबसूरत किला है, तुलसी तुलसी उस साइड देख रहे हैं, इनकम्प्लीट बना हुआ है, वो काले ताजमहल का फाउंडर है। अच्छा, काला ताजमहल बनाना है, एक और अंदर बना था, तो वो जैसे उसने उसका स्टार्ट किया वैसे उसके तीसरे नंबर के बेटे औरंगजेब ने बगावत कर ली, बोले आप शहंशाह अच्छी बात है, आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हैं, आप ऐसा मत करो,
साजा नहीं माना तो साजा को उसने वहाँ कैद कर दिया। किले के ऊपर वाइट बिल्डिंग है, टावर है, वहाँ कैद कर दिया 1658 में। वहीं से ताजमहल को देख पा रहा था और वहीं ख़त्म हो जाता है 8 साल कैद के बाद। इसकी बॉडी को इसकी बेटी लेके आती है नाभ के थ्रू और यहाँ दफन करती है। बेटा दफन नहीं किया, बेटी ने दफन, ऑर्डर तो उसी का था लेकिन बेटी लेके आती है नाभ। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि बेटी बहुत चाहती थी, बेटी चाहती, जहानारा बेगम नाम था। अच्छा अच्छा, उसे लास्ट तक उसका साथ दिया, वही लेके आती है। पूरा वो ऑक्टागन शेप में है, वो देखे वो इस शेप में देखो, हाँ जैसे ये है इसकी शेप, वो इस शेप है। ये व्हाइट स्टोन का है, इधर ब्लैक स्टोन का बनाना था लेकिन उसके बेटा ने बनाने नहीं दिया। এবার খুলে ফেলতে হবে, হ্যাঁ খুলে দাও। ওই আমরা ফেক দিয়া আবে ঠান্ডা एक दिन पहले बताओ तो उस दिन मैं ड्यूटी लूंगा अपनी। अच्छा अच्छा, टिकट सब मतलब आप सब करके रखे। अच्छा, पूरा ताजमहल देख लिया, दो घंटा এখানে আসতে তো টাইম লাগলো দিল্লি থেকে, কিন্তু এখানে ঢুকতে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা লেগেছে ভেতরে ঢুকে সব দেখতে। না না, আমি বলছি এখন আগ্রা থেকে দিল্লি যেতে কত, সেম টাইম 5 ঘন্টা। চলো, আজকের দিন বহুত মতলব বিজি থে, মতলব বিজি আর আর হেটিক ডে থা। सुबह उधर 11 बजे निकली, इधर आते आते कितना टाइम हो गया, 4:30-5 बज गया, दिल्ली से टाइम लगा। तो अभी ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ इधर। कैसा लगा आप लोगों को, लाइक कर देना और जो नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बहुत बहुत जगह घूमेंगे अभी, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय।